हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे रिवर्स माइग्रेशन भारत के समक्ष किस प्रकार से चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। तो इसमें बात करेंगे आखिर ये अभी चर्चा में क्यों है, और फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कि रिवर्स माइग्रेशन आखिर है क्या। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रवासी श्रमिक से क्या तात्पर्य है आपका, प्रवासी श्रमिक होते कौन है उन्हें भी देखेंगे, भारत का विशाल असंगठित क्षेत्र देखेंगे, अर्थव्यवस्था में प्रवासी भारतीयों की क्या भूमिका है, यानी कि प्रवासी श्रमिकों की क्या भूमिका है, क्या महत्व है उसे भी देखेंगे, श्रमिकों के प्रवासन से उत्पन्न चुनौतियां क्या क्या हैं उन्हें भी देख लेंगे, रिवर्स माइग्रेशन से पिछड़े राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम मेहनत कस जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। फैज अहमद फैज ने अपनी इस रचना के माध्यम से न केवल श्रमिक वर्ग को सम्मान दिलाया बल्कि उनके हक के लिए आवाज भी बुलंद की। तो ये जो वक्तव्य है ये किसका है? फैज अहमद फैज का। यूं तो श्रमिक वर्ग के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र में ढेरों वादे करते हैं, परंतु जमीनी स्तर पर जब श्रमिकों के हित की बात आती है तो ठोस उपाय करने की बजाय राजनीतिक दल इस वर्ग की समस्याओं से पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं। इस समय भारत में जारी लॉकडाउन के दौरान श्रमिक वर्ग को पलायन जैसी गंभीर समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। लॉकडाउन के इस दौरान होने वाला पलायन सामान्य दिनों की अपेक्षा होने वाले पलायन से एकदम उलट है। अमूमन हमने रोजगार पाने बेहतर जीवन जीने की आशा में गांव और कस्बों से महानगरों की ओर पलायन होते देखा है, परंतु इस समय महानगरों से गांव की ओर हो रहा है पलायन निसंदेह चिंताजनक स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। इस स्थिति को ही जानकारों ने रिवर्स माइग्रेशन की संज्ञा दी है। अब आप लोग समझिए कि आज से हमारा देश कब आजाद हुआ, 1947 में। उसके बाद तभी से नेताओं ने उस तरह उस 1947 के बाद या 1900 जब तक आपके नेहरू जी रहे, जवाहरलाल नेहरू गांधी जी, तब तक नेताओं में और आज के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क था, समझ रहे? 1900 जब से आपकी इंदिरा गांधी आई उसके बाद देखिए सभी लोग क्या करते आए हैं, मजदूरों के नाम पर गरीबों के नाम पर राजनीति करते आए, गरीबी हटाएंगे ये करेंगे वो करेंगे किसानों के लिए करेंगे, लेकिन कुछ हुआ है बताइए आप? कि कल भी वो तो गरीब थे आज भी वो उसी समस्या है। और एक सबसे बड़ी चुनौती है कि कोई भी समस्या है, चाहे फिर आपातकाल लगे, फिर चाहे कोई महामारी आए बीमारी आए कुछ भी हो, सबसे ज्यादा मार किसे झेलनी पड़ती है? गरीब किसान मजदूर। अभी आपने देखा होगा एक टैंकर जो रोड बनाने वाला वो नहीं, गिट्टी मिलाते हैं उससे, क्या बोलते हैं उसे, रोलर टाइप का होता है टैंकर होता है बड़ा, उसमें मजदूर छुपकर अपने अपने घर लौट रहे थे उसमें, समझ रहे हो? सांस लेने में भी तकलीफ होती होगी क्योंकि वो घर जाना चाह रहे थे किसी भी तरह से, तो समझ रहे। और अभी कल ही की न्यूज है, देखा है कि वो ट्रेन, जो भी ट्रेन सैमिक ट्रेन चल रही है मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए, उनसे किराया वसूला जा रहा है, बसें जो चल रही हैं उनसे भी किराया वसूला जा रहा है मजदूरों से। कई मजदूर, मैं देख रहा था इंटरव्यू, तो कई मजदूरों ने घर से पैसा मंगाया उस किराए के लिए, तो इतना तो नहीं होना चाहिए ना। आप ही सोचिए कि हम बड़े लोगों के लिए विदेश से एयरक्राफ्ट या किसी भी तरह से बुला लेते हैं, लाखों रुपया खर्च करके हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, एरोप्लेन भेज रहे हैं, कई देखा है आपने कोटा में फंसे हुए छात्रों के लिए बड़ी बड़ी बसें गई हुई हैं, फ्री
बिल्कुल, क्योंकि वे बड़े लोग हैं और ये गरीब लोग हैं। तो जो भी एक समस्या, समझ लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आए हमारे देश में, उसका सबसे ज्यादा असर गरीब पर पड़ता है। चलिए देखते हैं आगे, क्या है आखिर ये रिवर्स माइग्रेशन। सामान्य शब्दों में रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य महानगरों और शहरों से गांव एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन से। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का गांव की ओर प्रवासन हो रहा है। लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद ही काम धंधा बंद होने की वजह से श्रमिकों का बहुत बड़ा हुजूम हजारों किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिए पैदल ही सड़कों पर उतर पड़ा। पता है, मैंने अभी देखा था कि कोई मुंबई से चला और बनारस तक आते आते पैदल उसकी जान चली गई बनारस में, बिहार जा रहा था। और अभी कभी सुना है कुछ दिन पहले कि दिल्ली से कोई मजदूर चला गोरखपुर के लिए, भाई था बहन था उसकी, दोनों काम करते थे दिल्ली में। तो बीच में किसी ने उनको खाना पानी नहीं दिया, उनकी खाने भूख से और प्यास से मौत हो गई। अब इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है? बस हम देखिए, एक किसी ने सही कहा है कि किसी का दुख हमारे लिए एक मजाक हो सकता है। जैसे आप किसी भी को देख लीजिए, कहेंगे दुख, अरे वो तो ऐसा ही ऐसा है। कभी उसकी स्थिति में जी कर देखिए, पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है और बाकी क्या है। हकीकत कुछ होती है और पता है, लेकिन एक बात अब आप लोग हमेशा याद रखा करिए, आंसर राइटिंग जब भी आप लोग लिख रहे हैं तो आपको नकारात्मक नकारात्मक ही नहीं लिखना है, या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पूरा लिख दें। तो आपको दोनों का बैलेंस, नेगेटिव और पॉजिटिव का दोनों का बैलेंस बनाकर लिखना है। हकीकत कुछ और बनी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बैलेंस बनाकर लिखना है। क्योंकि हकीकत आप भी जानते हैं कि जमीनी स्तर कुछ और है और ऊपर कुछ और है। ठीक है, लॉकडाउन में कैद, भूख प्यास से परेशान मजदूरों के बीच छटपटाहट और बेचैनी लाजमी है। अब लंबे इंतजार के बाद सरकार की इजाजत से उनकी घर वापसी का रास्ता खुला है। इस वक्त यह राहत की बात लग सकती है, लेकिन यह रिवर्स माइग्रेशन संपन्न व पिछड़े दोनों तरह के राज्यों के लिए आपत आफत साबित होने वाला है। बात करते हैं प्रवासी श्रमिकों से तात्पर्य क्या है। एक प्रवासी श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो असंगठित क्षेत्र में अपने देश के भीतर रियासत से के बाहर काम करने के लिए पलायन करता है। प्रवासी श्रमिक आमतौर पर उस देश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं रखते जिसमें वे काम करते हैं। अपने देश के बाहर काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को विदेशी श्रमिक भी कहा जाता है, उन्हें प्रवासी या फिर अतिथि कार्यकर्ता भी कहा जाता है, खासकर जब उन्हें स्वदेश छोड़ने से पहले मेजबान देश में काम करने के लिए भेजा या आमंत्रित किया जाता है, किया गया हो। अब आप ही सोचिए, यहाँ सरकार ने मदद की है, जिस किसी ने भी मदद की, हकीकत कुछ और है। यहाँ भी आप देख लीजिए, 500 रुपये दिए सरकार ने या 1000 रुपये दिए, कितने दिन हुए, 25 मार्च के करीब लग गया था आपका लॉकडाउन, तब से अभी तक 1000 रुपये में खर्च चल जाएगा। अभी कल ही परसों का बुंदेलखंड का किसी महिला का इंटरव्यू सुन रहे थे, कोई पत्रकार ले रहा था, तो उसमें बता रहा था कि वो, उसने पूछा कि दाल कब बनी थी तुम्हारे घर में, तो बोली कि 15-20 दिन हो गए। तो जो लोग डेली कमाते थे, डेली खर्च करते थे, अधिकतर गरीबों में यही तो होता है कि आज का कमाया आज खर्च, कल कमाएंगे कल, उनका क्या होता होगा, 500-1000 रुपये में खर्च चल जाता होगा। मदद कौन कर रहा है आपको लगता है? अभी 4 से 5 दिन हुए हैं, किसी जगह भूख से पति और पत्नी ने सुसाइड कर लिया, यानी कि मर गए, आत्महत्या कर ली। तो वहां के जो भी नेता हैं, नेतागण, मीडिया जो भी है, मरने के बाद जाती है उनके,
अरे भाई उसके पहले चले जाते तो क्या बिगड़ जाता। तो अब वो नेता हमारे देश में नहीं रहे, पता है कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री को देखा होगा आपने कि जिंदगी फकीरी में गुजार दी। कहते हैं उनके बेटे ने एक बार उनकी गाड़ी, जो सरकार की तरफ से गाड़ी मिली थी प्रधानमंत्री को, उसे यूज कर लिया, तो उन्होंने डांटा उसे। और आज देख लीजिए, आज अगर विधायक भी बन जाता है तो उसका पूरा खानदान पूरा फायदा लेता है सरकारी सेवाओं का। हकीकत कुछ अलग ही है, समझ रहे। भारत का विशाल असंगठित क्षेत्र। भारत का असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण आबादी से विकसित हुआ है। इसमें अधिकांशतः वे लोग शामिल हैं जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं, और शहरों में ये लोग अधिकतर खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भंडारण और निर्माण उद्योग में काम करते हैं। इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो फसल की बुआई और कटाई के समय गांव में चले जाते हैं और बाकी समय शहरों महानगरों में काम करने के लिए आजीविका तलाशते हैं। भारत में लगभग 50 करोड़ का कार्यबल है, जिसका 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है। इस उद्यम में काम करने वाले श्रमिक वर्ग वर्ष 1948 में फैक्ट्री अधिनियम जैसे किसी कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। एक बात बताएं आपको, हकीकत यह है कि अगर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं परीक्षा में, अगर आप बिल्कुल रियलिटी लिख देते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए आपको परीक्षा पास करनी है, तो आप बैलेंस, एक अच्छा बैलेंस बनाकर चलिए ना, तो किसी की बुराइयां बुराइयां लिख दीजिए और ना किसी की अच्छाइयां ही अच्छाइयां, उसकी दोनों क्वालिटी देखिए और एक बैलेंस बनाकर लिख दीजिए आंसर। अब हकीकत कुछ भी बने रहे, रियलिटी कुछ भी हो, अगर आप लोग रियलिटी लिखेंगे तो नंबर स्वाभाविक ही कटेंगे। अब आप ही पूछिए किसी से, अगर किसी विधायक किसी अधिकारी से कि तुम विधायक क्यों बनना चाहते हो, तुम एमपी एमएलए क्यों बनना चाहते हो, तो सबसे पहले जवाब आता है जनता की सेवा करने के लिए। आपको लगता है हकीकत यह है? हकीकत हर कोई जानता है, लेकिन दिखावा अलग चीज हो जाती है। मुझे लगता है 97 से 98% लोग दिखावे के लिए जी रहे हैं, और हकीकत ये भी है कि दिखावे में ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। आगे चलते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों की भूमिका। भारत में आंतरिक प्रवासन के तहत एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने वाले श्रमिकों की आय देश की जीडीपी का लगभग 6% है। ये श्रमिक इसका एक तिहाई यानी जीडीपी का लगभग 2% घर भेजते हैं। मौजूदा जीडीपी के हिसाब से यह राशि 4 लाख करोड़ रुपए है। यह राशि मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में भेजी जाती है। वर्ष 1991 से 2011 के बीच प्रवासन में 2.4 यानी कि 2.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं वर्ष 2001 से 2011 के बीच इसकी वार्षिक वृद्धि दर 4.5% रही। इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रवासन से श्रमिकों और उद्योगों दोनों को ही लाभ प्राप्त हुआ है। श्रम गहन उद्योगों अर्थात ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, ऑटो पार्ट सेक्टर में बड़ी तादाद में श्रमिक काम करते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है तो इन श्रमिकों को बोनस, इंक्रीमेंट, मोबाइल फोन रिचार्ज, आने जाने का किराया और कैंटीन जैसी सुविधाएं देकर कंपनियां इन्हें अपने साथ जुड़कर रखना चाहती हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग श्रमिकों की प्रवासन से उत्पन्न चुनौती। श्रमिकों की रिवर्स माइग्रेशन से देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों में चिंता व्याप्त है। वर्तमान में भले ही उद्योगों में काम कम हो गया हो या रुक गया हो,
क्या हो या रुक गया हो। परंतु लॉकडाउन समाप्त होते ही सेवकों की मांग में तीव्र वृद्धि हुई। सेवकों की पूर्ति ना हो पाने से उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात श्रमिक वर्ग के महानगरों में स्थित औद्योगिक इकाइयों में काम करने हेतु वापस न लौटने की भी आशंका है। पंजाब हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य हेतु बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति में इन राज्यों की कृषि गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलोर और हैदराबाद जैसे अन्य महानगरों को दैनिक कार्यों में सहायता देने वाली श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी संख्या में श्रमिकों के पलायन से महानगरों को प्राप्त होने वाला राजस्व भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा। श्रमिकों के पलायन से रियल एस्टेट सेक्टर व्यापक रूप से प्रभावित हो सकता है। भवनों का निर्माण कार्य रुक जाने से परियोजना की लागत बढ़ने की संभावना है। बात करते हैं रिवर्स माइग्रेशन से पिछड़े राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। रिवर्स माइग्रेशन के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा। यह सर्व विदित है कि महानगरों के में कार्य कर रहे श्रमिक अपने गृह राज्य में एक बड़ी राशि भेजते हैं, जिससे इन राज्यों को बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य अपेक्षाकृत रूप से औद्योगिक पिछड़े हुए हैं। रिवर्स माइग्रेशन के परिणाम स्वरूप इन राज्यों में रोजगार का संकट भीषण रूप ले रहा है। रोजगार के अभाव में इन राज्यों में सामाजिक अपराधों जैसे लूट, डकैती, भिक्षावृत्ति, देह व्यापार की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था और छवि दोनों खराब होने की आशंका है। रोजगार के संकट से इन राज्यों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट होगी, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पूर्व में भी आर्थिक वंचनाओं के दौरान महिलाओं को प्रतिकूल परिवर्तनों का सामना करना पड़ा। आगे की राय क्या हो सकती है उसे भी हम लोग देख लेंगे। आप लोगों को ये बताना है, मैं हो सकता हूँ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या आपके आसपास ऐसा कोई मजदूर वर्ग रहता हो तो आप एक बार उससे जाकर पूछिए जरूर कि 1,500 रुपये में हो जाता है। और दूसरा आपको बताना है कि क्या अभी किराया वसूलना जरूरी था? जो भी मजदूर हैं, गरीब हैं, अभी किराया वसूलना जरूरी था क्या? हिंदुओं को मतलब बड़े अच्छे से सोच के जवाब दीजिएगा, ठीक है? उस स्थिति में खुद को रखिए, क्योंकि जब हम सलाह देते हैं तो अलग बात हो जाती है और जब उस समस्या से गुजरते हैं तो अलग बात हो जाती है, अलग नजरिया हो जाता है हमारा, ठीक है? तो उस गरीब की जगह अपने आप को रख कर देखिए, फिर सोचिए। देखिए भाई, मुझे लगता है कि अगर इंसान के दिमाग से ये बात निकल जाए कि उसका इस धरती पर स्थायी जीवन नहीं है, हो सकता है आज मैं लेक्चर दे रहा हूँ, एक क्लास ले रहा हूँ, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद मैं ना रहूँ, ये भी तो है, मैं स्थायी तो मैं नहीं, मैं 500 साल, 5,000 साल, 2,000 साल जीऊँगा, नहीं ना। अगर मैं ये समझ जाऊँ कि हम स्थायी नहीं है, कभी भी हम जा सकते हैं इस धरती से, तो पता है हम आधे भ्रष्टाचार, जो भी इस तरह के भ्रष्टाचारी होते हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि हम हकीकत में जिए हैं। हकीकत क्या होती है उसे लेकर जिएंगे। तो हकीकत में जिया करेगा, इससे ये भी रहता है पता है, अगर आज भी मौत आ जाए मुझे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि शिकायत भी नहीं है, ना ही बोल सकते हैं अरे अभी ना मरते तो अच्छा होता, क्योंकि हो गया अपना काम, 100% दीजिए, संतुष्टि रखिए अपने आप में, समझ रहे हो? उसके बाद जो भी मिल रहा है उसे लीजिए। आगे की राय क्या हो सकती थी? यदि संपन्न राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिए रिवर्स माइग्रेशन को नहीं रोक पाते तो उद्योग अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता खो देंगे, क्योंकि श्रमिक श्रम लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कार्यस्थलों पर श्रम कानूनों का प्रवर्तन और व्यापक कानून का अधिनियमन किया जाना चाहिए,
मौजूदा श्रम कानूनों का कठोर प्रवर्तन आवश्यक है। प्रवासी श्रमिकों के लिए पूरे भारत में श्रम बाजार को विभाजित किया जाना चाहिए और कार्यकाल की सुरक्षा के साथ एक अलग श्रम बाजार विकसित किया जाना चाहिए। प्रवासी श्रमिक आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें पहचान पत्र जारी किया जाना चाहिए। रिवर्स माइग्रेशन के प्रभाव को सीमित करने के लिए पिछड़े राज्यों को छोटे और मध्यम उद्योगों जैसे ग्रामीण और कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि उद्योगों का विकास करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो ये थी आपकी रिवर्स माइग्रेशन यानी कि प्रवासी श्रमिकों के बारे में, ठीक है।